खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच कैसरगंज से सामने आ रही है। 288 विधानसभा कैसरगंज के अंतर्गत ब्लॉक जरवल के विधानसभा चुनाव के संबंध में क्षेत्र की जनता से ली जानकारी। वहीं के निवासी जमापुर के ग्रामीणों ने मीडिया कर्मी सुनील कुमार गुप्ता से बताया कि विधानसभा के बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बकाउल्ला को मैं विजय बनाने का प्रयास करूंगा, जिससे हमारे क्षेत्र की जनता को सरकार द्वारा दिया गया सहयोग 100% क्षेत्र की जनता को सहयोग मिल सके, क्योंकि हमारे वो क्षेत्रीय विधानसभा प्रत्याशी हैं। मैं उनका संपूर्ण बहुमत से जिताने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा, मैं उनको संपूर्ण बहुमत से जिताने का प्रयास करूंगा। वहीं की कुछ ग्रामीणों ने बताया कि भाजपा से विधानसभा प्रत्याशी गौरव वर्मा 5 वर्ष बीतने के बाद आज तक लोगों से किसी भी प्रकार की ना तो अपना चेहरा दिखाए हैं, ना ही लोगों से हालचाल लिया है। ऐसे में भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी को हमारे क्षेत्र के लोगों ने अपना मन बनाया है कि इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी बकाउल्ला को भारी बहुमत से विजय प्राप्त कराने का प्रयास करूंगा। देखिए, इसमें जनपद बहराइच के तहसील कैसरगंज के अंतर्गत जो है जमापुर चौराहा पे मौजूद हूँ। इस बार विधानसभा का चुनाव बिगुल बज चुका है। इस चुनाव के संबंध में इस जनता से मैं जानकारी लेना चाहता हूँ कि इस बार किस प्रत्याशी को वोट देंगे। भाई साहब, पहले अपना नाम और पर्चे बताएं, कौन बोलेगा भाई साहब? मोहम्मद रुबीन खान। इस बार जो है विधानसभा का चुनाव बिगुल बज चुका है, इस बार किस प्रत्याशी को वोट देंगे? जी, हाथी को। हाथी बकाउल्ला भाई को। बकाउल्ला भाई को। ये आपके करीबी हैं? जी करीबी नहीं है, गांव के हमारे। गांव के हैं वो? अच्छे आदमी है ना? अच्छे आदमी भाई साहब। ठीक, धन्यवाद भाई साहब। अपना नाम बताए। मोहम्मद सरीन खान। इस बार जो है विधानसभा चुनाव बिल्कुल बच चुका है, इस बार किस पार्टी को वोट देंगे? ये बसपा को। बकाउल्ला खान मतलब आपके प्रत्याशी है जी? ये किस पार्टी से? गांव के प्रत्याशी हैं और सभी के बीच रहने वाले प्रत्याशी हैं और सभी के दुख सुख में खड़े रहने वाले प्रत्याशी हैं बकाउल्ला। बकाउल्ला किस पार्टी से हैं? जी बसपा बहुजन समाज पार्टी से। धन्यवाद भाई साहब। अपना नाम पर्चे बताएं। जी मेरा नाम ताजुद्दीन है जी। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के से है, बकाउल्ला भाई को वोट देंगे, खुले ऐलानिया देंगे और उनका हम लोग का पूरा सपोर्ट है, पूरा सहयोग है। सपा भाजपा कांग्रेस को क्यों नहीं देंगे, क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं, भाजपा को नहीं देंगे कि आज तक के हम लोग बिल्कुल बेघर हो गए। कोई योजना कोई कुछ नहीं रही हुआ, मतलब आपके महंगाई में जो आम जो गरीबों के गरीब लोग थे उनके हाथ उनके उनकी अमीरी तो साढ़ चढ़ गए। जो 2 बीघा खेत बो रहा साला, दिन मार रखा हो तो रात में रखा हो, इसके बाद में हम 1,67,000 हम मुस्लिम युवा यहाँ के होते हुए हमारा लोगन का कहीं से कोई वजूद नहीं रह गया। हम लोग खुला हुआ बकाउल्ला के साथ में हैं, रहेंगे और उनको वोट देंगे और उनके साथ में हमेशा रहेंगे। धन्यवाद भाई साहब। अपना नाम पर्चे बताएं। मोहम्मद नियाज खान। इस बार किस पार्टी को देंगे, सपा भाजपा या कांग्रेस? हम लोग बसपा को वोट देंगे, तन मन धन के साथ बसपा के साथ है, बकाउल्ला भाई के साथ में। वो हमेशा दुख सुख में रहते हैं, गरीबों का साथ देते हैं। इससे पहले भी बकाउल्ला भाई तमाम गरीबों की मदद कर चुके हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, सब में वो बराबर चंदा देते चले आए हैं। तो हम लोग बकाउल्ला भाई के साथ में, खुले साथ में हैं उन लोग के। अब सपा भाजपा के लिए क्यों नहीं देंगे, क्या दिक्कत है? भाजपा तो पिछले 5 साल से आप देख सकते हैं यहाँ पे खंभा जमापुर चौराहे पे लगा हुआ है, अभी तक कोई लेटवेट नहीं आई है। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन जमापुर चौराहे पे कोई भी नेता भाजपा का आज तक आया ही नहीं। ऐसा अपना नाम पर्चे बताए। मोहम्मद सलीम खान। इस बार किस पार्टी को देंगे, सपा भाजपा कांग्रेस? हाथी तो देंगे, बकाउल्ला भाई तो देंगे।